हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स तो आज हम करेंगे करंट अफेयर डीएनडी के अंदर फिफ्थ मार्च के ठीक है तो अभी जो कल हमने वीडियो बनाई थी तो कुछ बच्चों को ये कमेंट बॉक्स के अंदर उन्होंने कमेंट डाले थे कि भाई हमें सर पीडीएफ जो आती है वो पढ़नी है या वर्कशीट के अंदर क्या कैसे करना है ठीक है तो पहले सबसे जल्दी जल्दी हम वो क्लियर कर देते हैं देखो पीडीएफ आती है तो आपने ये लेक्चर देखा लेक्चर के बाद आपने पीडीएफ एक सॉफ्ट कॉपी के अंदर अपने लैपटॉप के अंदर रख सकते हो अगर आपका मन है हार्ड कॉपी चाहिए तो हार्ड कॉपी भी ले सकते हो आपके डिपेंड आपके ऊपर जो आप और एडिट करते हो यहाँ से वो आप पीडीएफ डाउनलोड करके प्रिंट निकलवा के भी कर सकते हो और अलग पे अलग पेज पे भी, भी कर सकते हो लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो पीडीएफ हमारे पास है वो आपके मेंस के अंदर काम आएगी प्री के लिए हम जो वर्कशीट बनाते हैं ये देखो वर्कशीट आएगी आज मैं इसको ए, वर्ड के फॉर्मेट में भी लिंक डलवा दूंगा तो आपने एक बार उसको रख लिया उसके बाद आपने उसको एडिट करते जाना है ठीक है तो यहाँ पे जैसे ये इसको भरना है हमने मेन ठीक है जी तो ये हमारा मेन रहेगा तो उसके अंदर और कोई काम नहीं हमने करना ठीक है तो यहाँ पे हमने जैसे ये लिखा है कुछ लिखा उसके बाद ऐसे लाइन लगा दी ऐसे ये आपने बस यही करना है काम सिंगल वर्ड लिखना है किसी ने भी सेंटेंस नहीं लिखना उसके अंदर दूसरी बात यहाँ पे आप जैसे हीट वेव्स है जो आपके पास सॉफ्ट कॉपी है पीडीएफ की उसकी डेट लिख देना यहाँ पे कि कितनी डेट की है ठीक है मान लो अब जैसे आपने ये पूरी फिल कर दी आप दो दिन बाद चाहते हो कि इसको रिवाइज करना आपने ये खोला हीट वेव अच्छा इसके अंदर ये, -ये फैक्ट हैं सारे ठीक है जी आपका प्री का टॉपिक प्रिपेयर हो गया मान लो अगर आपको नहीं आता तो यहाँ पर डेट लिखी है सॉफ्ट कॉपी के अंदर जाओ वहाँ पर पी के अंदर जाओ या आपने नोटबुक के अंदर लेक्चर देख के लिखा है उसके अंदर जाओ और वहाँ से इसकी डेट के हिसाब से ये वाला और उसके हम एक वर्ड का क्या मतलब था वो देखना है फिर यहीं पे कुछ नहीं लिखना क्योंकि ये इससे बेनिफिट क्या होता है इससे रिकॉलिंग कैपेसिटी आपकी बढ़ती है एग्ज़ाम में आप रिकॉल इतनी जल्दी कर पाओगे कि आप मतलब आपको खुद पे विश्वास नहीं होगा कि मैंने क्या कर दिया ठीक है तो यहाँ पे हमने आपको यही तो समझना है देखो आप बहुत कुछ कमुलेट कर रहे हो अपने ब्रेन के अंदर लेकिन क्या आप उसे रिकॉल कर पा रहे हो दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट ठीक है जी तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है तो आपने क्या करना है कि भाई ये सारा नोट करके इसको रिवाइज करना अब इनका बेनिफिट और क्या है अगर मान लो यही हीट वेव और ये हीट वेव का टॉपिक मैं बोलता हूँ आपने नोटबुक के अंदर लिखा है ठीक है तीन पेज है ठीक है तो अब इस एक टॉपिक को पढ़ने के लिए आपको तीन पेज देखने पड़ेंगे पहला देखा फिर दूसरा फिर तीसरा जितने टाइम में आप वो तीन पेज देखोगे उससे वन टेंथ टाइम में आप हीट वेव यहाँ से टू द पॉइंट प्रपेयर कर लोगे नहीं आता चाहे दूसरी बार नहीं आता तीसरी बार नहीं आता जब आप रिवाइज़ करते हो सॉफ्ट कॉपी के अंदर जाओ और उस वर्ड का पूरा मीनिंग क्या था वहाँ से देखो लेकिन लिखना नहीं है बस लिखना इतना ही है अपडेशन यहाँ पे करनी है बस यही आपके लिए जो प्री का एग्ज़ाम है यही तो ऐसे ही अगर आप अपने बेसिक नोट्स के अंदर आप क्या कर सकते हो जिन्होंने इस साल देना है आप एक इंडेक्स बना सकते हो ठीक है जी बेसिक नोट्स के अंदर जैसे आपने कोई टॉपिक उठाया गवर्नर गवर्नर की आपने देखा कि ठीक है जी क्या कोई क्वालिफिकेशन है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है या ये सिर्फ हेडिंग हेडिंग आपने लिख दी है ठीक है हेडिंग हेडिंग लिख दी है अब ये इंडेक्स बन गया ऐसे ही प्रेजिडेंट हो गया है ना वाइस प्रेजिडेंट हो गया इनके आपने इंडेक्स सिर्फ लिख दिए और इनको जब आप पढ़ोगे सिर्फ उसमें क्या लिखा हुआ है क्वालिफिकेशन ये नहीं लिखा क्या है उसको आपने रिवाइज करके देखना है क्या क्वालिफिकेशन है नहीं आता तो अपनी नोटबुक के अंदर या बुक के अंदर जाओ वहाँ पे देखो क्या है ऐसे आपको ये सारा याद हो जाएगा और लास्ट पाँच दिन आप इन सभी चीज़ों की पांच बार इजीली रिवीजन कर सकते हो क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा मटेरियल अकमुलेट हो जाता है ठीक है जी क्लियर तो आज देखो हम क्या क्या, क्या कर रहे हैं न? हीट वेव्स कर रहे हैं ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स एम इकोनॉमी के अंदर सेरा अवार्ड और स्कीम्स हमने आज क्या किया है कि जो इस वीक की और जो बड़ी बड़ी चीज़ें थी वो सारी हमने अकमलेट कर दी क्योंकि हम क्या करते हैं जैसे मान लो आज कोई कल न्यूज़ आई है ठीक है मोस्ट ऑफ दी जो आज न्यूज़ आती है वो हम नोट करते हैं लेकिन जो कुछ न्यूज़ रह जाती हैं वो भी विद द टाइम हम क्लब करते हैं जैसे बहुत सारी स्कीम्स न्यूज़ के अंदर थी तो आज मौका मिला तो उसके अंदर हमने सारी क्लब कर दी ताकि आपके लिए वो एक क्लासीफाई हो जाए और ईजी रहे ठीक है उसके बाद हम देखेंगे ट्रेडिशनल बल्ब इन बल्ब जो है सी एफ एल एल ई डी के अंदर क्या डिफरेंस है देन रेल वायर न्यूज़ में था फूड वेस्ट इंडेक्स आया है ठीक है जी देन फ्रंटियर टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी के अंदर साइबर क्राइम वॉलंटियर फ्रीडम इज़ वर्ल्ड रिपोर्ट ये फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट ये इसको डिस्कस करेंगे तो आज के जो मेन आपको जो समझ आया होगा ये इंडेक्स देख के कि हमने बहुत सारी जो अपने इंडेक्स उठाए हैं जो अभी रिसेंटली न्यूज़ के अंदर थे ये इसीलिए एक दिन में उठाए गए हैं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए ठीक है जी ओके तो दूसरी बात मैं और करना चाहूँगा कि जो भी हमारा टॉपिक रहता है उसको हम आगे आने वाले टाइम में कवर करते जाते हैं मतलब ये है कि हमारा एक वीक के अंदर टोटल हमारा जो जितना जरूरी इंपॉर्टेंट है वो सारा कवर हो जाए ठीक है जी तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं ओके आईएमडी रूल्स आउट हीट वेव डिस्पाइट वार्मिंग ट्रेंड नाउ आईएमडी ने बोल दिया कि जी हीट वेव को रूल आउट कर दिया हमारा अब जैसे ये टॉपिक आपने पढ़ा सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हीट वेव क्या है ठीक है प्री के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग उसका क्रिटेरिया होता है तो उसको हम अभी आगे डिस्कस करेंगे तो आई एम डी ने ये बोला कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया फ़र्स्ट क्लास में अंदर आई थिंक तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के अंदर क्या होता है अगर किसी नहीं देख किसी को नहीं आ तो मैं बता देता हूँ इंडिया है ठीक है ये मेडिटेरियन सी इधर रहता है और यहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट होता है ऐसे मूव करता है बाद में इंडिया की तरफ मूव करता है ठीक है जी इस टाइम पर मार्च के टाइम पर अराउंड मार्च और यहाँ पे रेन होती है ये रबी क्रॉप के लिए बहुत अच्छा होता है तो ये मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू दिया ऐसे डिटेल इसकी पूरी है तो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है तो आगे आने वाले टाइम में भी इसको हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे तो आईएमडी ने ये बोला कि ये आने वाली तो इसलिए हम हीट वेव ऐसा नहीं हो सकता कि इतनी ज़्यादा कंडीशन बन रही है नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर प्रीलियम हीट वेव क्या होता है अगर एक जनरल डेफिनेशन देखो क्वालिटेटिवली है ना एयर टेम्परेचर जो हमारी बॉडी के लिए जो ए, बर्दाश्त नहीं होता जिसको बोलते हैं ना टॉलरेट नहीं कर पाते क्वांटिटेटिवली टेम्परेचर थ्री शोल्ड एक टेम्परेचर क्वान्टिटेटिव मतलब क्वांटिटी एक टेम्परेचर की थ्रू शोल्ड जब उससे ऊपर चला जाता है क्वालिटी है ना क्वालिटेटिव कि हमारी बॉडी के लिए वो कंट्रोल ये आपको प्री के लिए नहीं जरूरी लेकिन सिर्फ आपने ये समझना कि इन दोनों का मतलब क्या होता है ये इंपॉर्टेंट है जो आई का क्राइटेरिया है ये एग्ज़ाम में आ सकता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पे लिख लेना ये तो हीट वेव क्या कब ये कंसिडर करता है कि हीट वेव होगी अगर मैक्सिमम टेम्परेचर चालीस डिग्री हो जाए कौन से एरिया के अंदर प्लेन्स एरिया के अंदर है ना प्लेन्स एरिया के अंदर अगर चालीस डिग्री हो गया और एटलीस्ट थर्टी डिग्री हो गया हिली एरिया के अंदर तो उसको हम हीट वेव बोल सकते हैं लेकिन ये कौन से क्राइटेरिया के ऊपर बेस्ड है एक तो डिपार्चर फ्रॉम नॉर्मल मतलब जो नॉर्मल टेम्परेचर एक एरिया का रहता है उससे कितना चेंज हुआ वो क्राइटेरिया है कैसे जैसे हीट वेव मतलब 4.5 टू 6.4 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल से अगर चेंज हो गया तो इसको हम हीट वे बोलेंगे दूसरा सवेर हीट कब बोलेंगे ये सिक्स पॉइंट फोर से ज़्यादा हो गया ठीक है जी अगर मान लो फोर्टी है यहाँ पे फोर पॉइंट फाइव अपना आ गया फोटी फ़ोर पॉइंट फाइव है ना ऐसे चेंज हो गया तो बढ़ गया नॉर्मल से जो नॉर्मल रहता है रेंज जो पिछले काफ़ी सालों से ये एक एवरेज रेंज निकाली जाती है और उससे जितना चेंज हुआ तो उसको हम हीट वेव तब डिक्लेयर करेंगे ऐसा नहीं है कि अगर मान लो एक एरिया के अंदर 40 डिग्री है तो हम जहाँ पैंतीस डिग्री है एक डिग्री बढ़ा तो हमने हीट वेव डिक्लेयर कर दिया ऐसा नहीं होता तो ये आपको डिग्रीज ये याद करनी है एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्री के लिए दूसरा है एक्चुअल मैक्सिमम टेम्परेचर कि एक्चुअल कितना हो गया मान लो हीट वेव के लिए अगर फोर्टी डिग्री से ज़्यादा हो गया सीधा ही तो उसको हम डिक्लेयर कर सकते हैं देन स्वेर हीट 47 डिग्री सेल्सियस ठीक है जी नाउ इफ लास्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है इफ़ अबाउ क्रिटेरिया मेट एट लीस्ट टू स्टेशन मतलब अब ये देखो मान लो ये एक एरिया है हमने पे तो यहाँ पे हीट वेव डिक्लेयर कब होगी अगर तो एटलीस्ट दो स्टेशन हो यहाँ पे ये कंडीशन बने ऐसा नहीं कि मतलब हम वेट करते रहे हैं, अभी सारे स्टेशन पे नहीं बनी है ना तो वो नहीं इसकी कंडीशन क्या है मतलब कब कब आप टेम्परेचर चेक करोगे अगर एटलीस्ट दो स्टेशन हो ठीक है जी एट लीस्ट टू स्टेशन ठीक है मेट्रोलॉजिकल सब डिविज़न फॉर एटलीस्ट टू कंजेक्टिव डेज और दो मतलब अगर एक दिन के अंदर भी ये आपकी कंडीशन होती है तब भी हम उसको हीट वेव डिक्लेयर नहीं करेंगे तो दो दिन और एटलीस्ट दो सब स्टेशन उसके रहेंगे तभी हम वहाँ पर जो मिनिमम क्राइटेरिया रहेगा अगर ज़्यादा हो गए तो फिर तो रहेगा रहेगा ठीक है जी ओके क्राइटेरिया फॉर कोस्टल रीजन के लिए क्या है ठीक है वे मैक्सीम टेम्परेचर फोर पॉइंट फाइव डिग्री डिपार्चर रहेगा और थर्टी सेवन डिग्री और उसे मोर ये बस आप इसको एक ऐसे कर सकते हो हीट वेव का ऐसे बना के ठीक है ये आपने प्लेन एरिया के अंदर लिख दिया हिली एरिया और कोस्टल एरिया यहाँ पे टेम्परेचर बस लिख दो ये बहुत इजी रहेगा आपके लिए इसको याद करना दूसरा आईएमडी की अगर आप साइट के ऊपर से मैं पढ़ा रहा हूँ ये आपको मटेरियल क्योंकि अगर यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा तो वहीं से पूछेगा तो ये हमारा होलिस्टिक थ्री सिक्सटी डिग्री व्यू हो जाएगा सारा तो यही आपने याद कर रहे हैं नाइट की डेफिनेशन आई क्या देता है ठीक है वेन दट मैक्सम टेम्परेचर रिमेन फोर्टी डिग्री और मोर ओनली ये ओनली वर्ड उन्होंने लिखा हुआ अगर यू ओनली लिखे तो आप बोलोगे एक्सट्रिंग स्टेटमेंट गलत है नहीं ये सही है याद रखना है इसको बेस्ड ऑन डिपार्चर अगेन उन्होंने दिया हुआ वार्म नाइट क्या होगा जो फोर डिग्री टू सिक्स एंड वेरी वार्म क्या है मोर देन सिक्स तो ये आपका उसी उससे मिलता है पूरा तो ये आपने याद रखना है एग्जैक्ट टेम्परेचर अगर आपको एटलीस्ट ये वाला तो याद होना चाहिए ठीक है डिपार्चर आपको आइडिया होना चाहिए कि हाँ चार से लेके छः बस एग्जैक्ट नहीं याद कोई प्रॉब्लम ही नहीं है यूपीएससी के अंदर ऐसा नहीं है कि वो बोलेगा फोर पॉइंट फाइव नहीं फोर पॉइंट फोर नहीं तो आपको चार पाँच बस इतना आइडिया याद रखना है तो ये बहुत ही ईजी हो जाएगा आपके लिए ठीक है जी ओके नाउ हीट वेव के लिए फेवरेबल कंडीशन क्या है ये इंपॉर्टेंट है मान लो अगर एग्जाम के अंदर ऐसा क्वेश्चन आ गया कि भाई आ सकता है और इसके चांसेस हैं अगर यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछ रही है कि कहीं हीट वेव और वहाँ पर फेवरेबल कंडीशन क्या क्या है तो मतलब आप ये पूछेगी कि कौन सी कंडीशन है यहाँ पे हीट वेव बन सकती है और नीचे आपको कंडीशन दी होगी जैसे पहले हॉट एंड ड्राई एयर होगी एब्सेंस ऑफ मॉइस्चर इन अपर सरफे एटमासफेयर अगर ज़्यादा मॉइस्चर होगा अपर एटमोसफेयर का तो हीट जो ऊपर से आएगी वो वापस चली जाएगी ठीक है जी तो उसको ये कर्व करता है तो अगर ये मॉइस्चर एबसेंस है है ना ठीक है तो अगर जैसे क्लाउडीनेस है क्लाउडीनेस के आपको पता है जितनी क्लाउडीनेस होगी उतना ज़्यादा फिर वहाँ पे नीचे हीट नहीं आएगी है ना तो ये सारा आपको इतना भी एक और है कि जो अर्थ को जो हमारा एटमॉस्फेयर गर्म होता है वो अर्थ से जब वापस जाती है वो उसे गर्म करती है और बहुत सारा जो आपने एन के अंदर जोग्राफी के अंदर देखना बहुत सारा रिफ्लेक्ट होता है स्काई के अंदर जो क्लाउड भी रिफ्लेक्ट करते हैं एल बोलते हैं जिसको ठीक है तो वो सारा हम आने वाले टाइम में अगर मौका मिले इसके अंदर तो हम डेफिनेटली डिस्कस करेंगे एंड लार्ज एंटीसाइक्लोन फ्लो एंटीसाइक्लोनिक फ्लो मतलब के जो जितना मतलब साइक्लोन लो प्रेशर है ना तो एंटीसाइक्लोन के अंदर आपको पता है रेन नहीं होती तो यहाँ पर एंटीसाइक्लोन फ़्लो हो तो समझ आ गया एब्सेंस ऑफ मॉइस्चर इन एटमोसफेयर हो गया ये हमारा कि अगर एब्सेंस मॉइस्चर एब्सेंस हो ठीक है जी अगर ज़्यादा मॉइस्चर है तो रेन होगी चांसेस है रेन होने के तो यहाँ पे मॉइस्चर का एब्सेंस अगर हो तो तब भी वहाँ पे हीट वेव की कंडीशन बन सकती है ओके अब बात बात करते हैं आईएमडी अलर्ट सिस्टम याद रखना ये अब ये ऐसा एग्जाम के अंदर आ गया किसके साथ मिलकर करता है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ठीक है जी तो आईएमडी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के लिए तो ये है देखो अगर मान लो ग्रीन कोड किसके लिए नॉर्मल डे है कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है कुछ नहीं करना तो वहाँ पे जो कलर कोड आईएमडी ने डिसाइड किया है वो है ग्रीन ठीक है जी येलो मतलब हीट अलर्ट ठीक है कोई दो दिन के लिए कहीं आइसोलेटेड एरिया के अंदर हो गया है ना थोड़ी सी हीट बढ़ गई तो कौन सा वो अलर्ट देगा येलो ठीक है जनरल पब्लिक के लिए टॉलरेबल होगा लेकिन जो वलरेबल है जैसे छोटे बच्चे हो गए बूढ़े है ना उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम है ठीक है जी ओके देन ऑरेंज ऑरेंज के लिए स्वेयर हीट ठीक है जब होगी तब ऑरेंज सिग्नल आएगा देन अगेन यहाँ पे क्राइटेरिया प्रसिस्ट फॉर टू डेज हाई रिस्क फॉर वनरेबल पीपल और जो बहुत ही लंबे समय के लिए काम करते हैं बाहर धूप में उनके लिए देन रेड अलर्ट क्या है एक्सट्रीम हीट फॉर द डे ठीक है जी स्वेयर हीट प्रसिस्ट फॉर टू डेज तो आपने इसके अंदर याद क्या करना आप बात करते हैं मुद्दे की जो प्री के लिए इंपॉर्टेंट है एक तो ये आपको कॉलर कोडेड पता होनी चाहिए और ये अलर्ट वाला ठीक है जी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये दो एटलीस्ट आपको याद होनी चाहिए ये अगर थोड़ा थोड़ा याद हो गया तो कोई ठीक है इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है लेकिन ये आपको एक बार पढ़ लोगे तो आपको थोड़ा आइडिया रहेगा क्या क्या होता है ठीक है जी चलो आगे चलते हैं जल्दी जल्दी पीएम रिसीव सेरा वीक अवार्ड ठीक है जी प्रधानमंत्री को मिला है ठीक है सेरा वीक ग्लोबल एनर्जी इन्वायरमेंट लीडरशिप अवार्ड मिला जी ठीक है तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है ठीक है अब बात करते हैं कि मिला क्यों है। ये मिला है बेसिकली ग्लोबल एनर्जी के लिए एनर्जी के लिए है ना एनर्जी कंजर्वेशन के लिए हमने इंडिया बहुत कर रहा है रीन्यूबल एनर्जी हम इनक्रीज़ कर रहे हैं तो हम इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं ठीक है तो उसके अंदर आपको पता है बहुत सारे हमारे प्रोग्राम चलते हैं तो यहाँ पे इसी के कंटेक्स के अंदर हम जो स्कीम्स हैं ठीक है जी एनर्जी फॉर ऑल के लिए वो देख लेते हैं थोड़ी थोड़ी प्री के लिए इम्पॉर्टेंट है तो इसलिए हम उसके ये वही मैंने जो बताया अभी आपको लिखा हुआ है ओके नो स्कीम टू इंश्योर अफोर्डेबल रिलायबल सस्टेनेबल मॉडर्न एनर्जी फॉर ऑल कि हमने कौन कौन सी जो मेजर स्कीम्स है जैसे पी जीवन पी जीवन क्या बोलते हैं पहली बात तो आपको कोई भी एक और बात कर बता दूँ आपको स्कीम अगर अब जब आपने याद करनी है तो स्कीम के अंदर जो पास्ट की स्कीम्स है पास्ट की स्कीम का मतलब क्या है जो 2018 एटीन की है और उससे पहले की ठीक है जो इस साल न्यूज़ में नहीं है न्यूज़ में नहीं है उनके लिए आपको एटलीस्ट क्या पता होना चाहिए मिनिस्ट्री कौन सी है और उसका एम क्या है एक लाइन के अंदर एम अगर कोई डेटा वगैरह जैसे मान लो कोई रूरल एरिया के लिए है अर्बन के लिए नहीं है इतना आपको पता होना चाहिए इससे ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है आपका मिनिस्ट्री वाली जो ठीक है ना जो स्टेटमेंट होगी वहीं से आंसर निकल जाएगा दूसरी बात है जो करंट की जो अभी रिलीज हुई है ठीक है जी टू थाउजेंड की भी अगर कर सकते हो तो बढ़िया है और ट्वेंटी और ट्वेंटी तो यहाँ पे इसके अंदर थोड़ी आपको डिटेल देखनी है अगर जैसे मान लो टू थाउजेंड ट्वेंटी वो तो आपको पूरी करनी है ट्वेंटी ईयर ट्वेंटी वन के जो इसी टेन ईयर के अंदर जो आपका टाइम है एक साल डेढ़ साल के अंदर आई है दूसरी बात जो टू थाउजेंड नाइनटीन के आई है वहाँ पर आप ऐसा कर सकते हो कि उसके अंदर मिनिस्ट्री और एम वगैरह उसका अच्छे से देखना है अगर जो न्यूज़ के अंदर मान लो कोई पुरानी स्कीम है लेकिन न्यूज़ के अंदर है तो उसके अंदर आप थोड़ी सी डिटेल तो ऐसे आपने उसको साइन करना कि कौन सी मुझे डिटेल के अंदर देखनी है कौन सी नहीं देखनी अब पीएम जीवन की बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम इसका काम क्या है अचीव टेन परसेंट ब्लेंडिंग जो इथेनॉल प्लस पेट्रोल को हमने ब्लेंड करना है ठीक है जी टेन परसेंट टेन परसेंट का मतलब क्या है कि अगर पेट्रोल होगा दस परसेंट हम इथेनॉल और नाइन्टी परसेंट पेट्रोल ये रहेगा अब ऐसा हमने करना क्यों है देखो पेट्रोल आपको पता है कि यहाँ प्राइस कितने बढ़ रहे हैं तो हम बाहर से इम्पोर्ट करते हैं इथेनॉल को हम अगर मान लो राइस है हमारे पास ठीक है जी राइस से हम इथेनॉल को कन्वर्ट कर सकते हैं ठीक है तो वहाँ पे मैंने कल की क्लास में बताया था आपको वीट और राइस की हमारी बहुत ज़्यादा ऑलरेडी सरप्लस है तो अगर हम राइस को इथेनॉल के अंदर या फिर मुलासिज जो आता है वहाँ से शुगर केन से ठीक है निकलता है जो लिक्विड होता है तो वो मुलास को हम कन्वर्ट करते हैं इथेनॉल के अंदर तो ये हमारे दो जो मेजर सोर्सेज हैं तो हमारे पास सरप्लस है तो हम ये कर सकते हैं तो ठीक है तो वो सारा हमने अभी जैसे इथेनॉल को बनाया भी था अभी रिसेंटली ठीक है तो ये हमारा रहेगा तो इथेनॉल इंपॉर्टेंट क्यों है क्योंकि देखो एक तो हमें जो लोकली है ठीक है जी अब यहाँ पे बेनिफिट क्या है इथेनॉल क्या है इथेनॉल जब बर्न होगा पेट्रोल के साथ डेफिनेटली ये ग्रीन हाउस गैस रिलीज करेगा ठीक है अब आप सोचोगे इसका बेनिफिट क्या है है ना तो देखो जी इसका बेनिफिट क्या है कि जब जैसे मान लो ग्रीन हाउस गैस इथेनॉल बर्न हुआ तो वहाँ पे ग्रीन हाउस गैस आई हा अब जब हम शुगर केन को या किसी चीज़ को आप ग्रो कर रहे हो लेकिन वो भी तो जब आप उस प्लांट से आप एक को इथेनॉल के अंदर कन्वर्ट कर रहे हो यहाँ पे सी ओ टू या और गैसे रिलीज हुई लेकिन जब वो प्लांट ग्रो करता है तो वो अब्ज़ॉर्ब भी करता है तो ऑलमोस्ट वो न्यूट्रल हो जाता है ठीक है लेकिन जब आप बाहर से क्रूड ऑयल लेकर आते हो क्रूड ऑयल लेकर आते हो वो तो ग्राउंड के अंदर है है ना ग्राउंड के अंदर है तो ग्राउंड के अंदर है तो इट मीनस जब वो बाहर आएगा तो वो ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज़ करेगा लेकिन पहले तो नहीं थी पहले तो वो ग्राउंड के अंदर था तो यहाँ पे पॉजिटिव हो रहा है ना इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे न्यूट्रल रहता तो है तो ये उसका बेनिफिट है ठीक है जी अब थोड़ा सा बायोफ्यूल के बारे में फर्स्ट सेकंड जनरेशन क्योंकि यहाँ पे ये जो आपने पढ़ा है ये कौन सा सेकंड जनरेशन की बात की गई है इथेनॉल टू सेकंड जनरेशन तो आपको जल्दी से बेसिक के अंदर क्या पता होना चाहिए वो डिस्कस करते हैं देखो फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल चार जनरेशन के टाइप के होते हैं फर्स्ट जनरेशन कौन सी है अगर मान लो मैं बायोफ्यूल ठीक है जी वो फूड क्रॉप से किसी से बनाता हूँ जैसे कॉर्न वीट शुगर केन पीनट अब इनसे मैंने बनाया वेजिटेबल ऑयल सोयाबीन ठीक है चाहे मैं इथेनॉल बना रहा हूँ चाहे बायोडीजल बना रहा हूँ ठीक है जी तो ये सारा क्या होगा ये फर्स्ट जनरेशन को इसको अभी इतना प्रेफर नहीं करती कंट्रीज़ क्यों नहीं प्रेफर करती जी क्योंकि देखो जे अगर आप मान लो फूड क्रॉप को अपनी को इथेनॉल के अंदर कन्वर्ट करोगे या बायोडीज़ल के अंदर है ना ऑयल्स को बायोडीज़ल के अंदर कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा कि चांसेस रहते हैं कि यहाँ पर फूड क्रॉप की जो शॉर्टेज हो जाए ठीक है जी अब शॉर्टेज हो जाए तो कंट्री को जैसे अभी इंडिया ने कन्वर्ट किया था तो बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी हुआ था कि भाई कल को शॉर्टेज होगी मान लो इस बार हमने कन्वर्ट कर दिया अब नेक्स्ट टाइम ड्रॉट आ जाता है अगर ड्राउट आ गया तो हमारी सप्लाई कम हो जाएगी लेकिन यहाँ पे तो हमारे पास इतना सरप्लस नहीं है तो वो रिस्क रहता है क्योंकि दूसरा एक और बोलते हैं कि भाई इंडिया के अंदर ऑलरेडी इतने ज़्यादा हंगरी हंगर पीपल हैं उनका नंबर बहुत ज़्यादा है तो जब इतना ज़्यादा नंबर है तो आप ये काम अच्छा नहीं शोभा नहीं देता ठीक है तो यहाँ पर क्या है कि जो नेगेटिव है फ्यूल वर्सेज़ फूड वर्सेस फ्यूल मैंने आपको बता दिया क्या इसकी जो क्रिटिसिज्म है पॉजिटिव क्या है कि इसकी टेक्नोलॉजी हमारे पास अवेलेबल है क्योंकि फर्स्ट जनरेशन है इसके अंदर कोई खास उतना नहीं है सेकेंड जनरेशन के अंदर जल्दी जल्दी चलते हैं सेकेंड जनरेशन के अंदर आपको याद रखना है ये कौन से किससे बनेंगे ये बनेंगे वेस्ट से ठीक है नॉन फूड क्रॉप से तो अब बताओ आप सोचो कि फर्स्ट जनरेशन बढ़िया है या सेकेंड जनरेशन बढ़िया है तो आप बोलोगे सर सेकंड जनरेशन बढ़िया है एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट क्योंकि इसके अंदर जो हमारा जितना भी ये फ्यू फूड वैसे फ्यूल की कोई इतनी वो कंट्रोवर्सी नहीं है जैसे स्ट्रॉ है है ना जैसे आपका जो पैडी वीट स्ट्रॉ की बात करते हैं उसको भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं टेक्नोलॉजी के थ्रू ठीक है ऑर्गेनिक वेस्ट को कर सकते हैं ग्रास वुड को हम कन्वर्ट कर सकते हैं वेस्ट वेजिटेबल ऑयल को कन्वर्ट कर सकते हैं दूसरा एक और बात यहाँ पर याद रखना अगर तो बोला उसने वर्जिन वेजिटेबल ऑयल ठीक है जी दूसरा है वेस्ट वेजिटेबल ऑयल यूपीएससी के लिए याद रखना अगर मान लो यहाँ पे वर्जिन वेजिटेबल ऑयल है मतलब जो अभी यूज नहीं हुआ अनयूज है तो वो आपका फर्स्ट जनरेशन होगा अगर वेस्ट वेजिटेबल ऑयल यूज़ हो गया है ना तो वो आपका सेकंड जनरेशन होगा ये ध्यान रखना वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना यूपीएससी के एग्ज़ाम के अंदर तो सेकंड जनरेशन है नॉन फूड क्रॉप अब इसकी कंडीशन होती है पहली कंडीशन ये बोलता है कि नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन वो फ्यूल जो फूड uh, वो जो ह्यूमन कंजप्शन के लिए फिट नहीं है जैसे मान लो रॉटन पोटैटो है पंजाब ने कन्वर्ट किए थे रॉटन पोटैटो तो वो हमारा सेकंड के अंदर है वो खाने वाले तो है नहीं दूसरा है नॉट ऑन एग्रीकल्चर लैंड तो आप ऐसा नहीं कि वो एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर हो क्योंकि हमने उसको भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना तीसरा नीड लो मेंटेनेंस उसको बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर वगैरह नहीं यूज़ होना चाहिए उसके अंदर ठीक है अदरवाइज कॉस्ट बढ़ती है ठीक है जी सेकंड जनरेशन हो गया अब सेकंड जनरेशन के अंदर बात कर लेते हैं नेशनल बायोडीजल मिशन जो था हमारा अभी तो बायोफील्ड पॉलिसी आ गई है वो भी हम किसी क्लास के अंदर करेंगे क्योंकि लंबा लम्बा टॉपिक टौ, टौ, है तो जिस दिन करंट अफेयर थोड़े कम होंगे तो उस दिन हम उसको भी कवर करेंगे इस बार क्वेश्चन भी आया था तो जेट्रोफा के लिए हमने इसको यूज़ किया था ठीक है इससे हम बायोडीजल मिशन के अंदर यूज़ किया था तो प्रॉब्लम क्या है कि इसकी शॉर्टेज होगी ठीक है जी तो दूसरा है कि इसकी ईल्ड इतनी ज़्यादा नहीं है इतना ज़्यादा इसकी ग्रोथ नहीं होती तो वहाँ से इसलिए इसकी शॉर्टेज आ गई एक और हमने यूज किया था पी पी ये दोनों के आपको नाम याद होने चाहिए यूपीएससी के लिए प्री के लिए ठीक है जी आगे चलते हैं देखो थर्ड जनरेशन की बात करता हूँ यहाँ पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि एल गी कहाँ पर ग्रो कर सकते हैं एग्जाम के अंदर गया आप बोला उसके अंदर वाटर था है ना तो लैंड भी था तो एलगी कैन बी ग्रो इन एनी वेयर कहीं पर भी ग्रो कर सकते हो कंडीशन क्या है जहाँ पे सी ओ टू और एच टू हो तो ये ऐसा क्वेश्चन आया था अब इसको हम आगे चलते हैं क्योंकि ये तो आ चुका है कि एल थर्ड जनरेशन में पहले ये एल किसकी कौन सी सेकंड जनरेशन के अंदर पार्ट था मैंने सेकंड जनरेशन के अंदर एक थर्ड कंडीशन करवाई है कि लो मेन्टेनेंस चाहिए लेकिन एल को क्या चाहिए था हाई नीड ऑफ़ फर्टिलाइजर फ़र्टिलाइज़र चाहिए इसलिए एल को थर्ड जनरेशन के अंदर डाल दिया तो इसकी जो टेक्नोलॉजी वो कम है ठीक है जी अब देखो एल को फर्टिलाइज़र क्यों चाहिए अगर आपने यूट्रोफिकेशन पढ़ा है यूट्रोफिकेशन के अंदर हम क्या पढ़ते हैं नाइट्रोजन एंड फॉसफोरस जब वाटर के अंदर जाते हैं वाटर के अंदर जाते हैं वाटर बॉडी के अंदर जाते हैं वहाँ से प्लांट्स की ग्रोथ होती है और एल्गी की ग्रोथ होती है और ए, और उससे पूरा यूट्रोफिकेशन हो जाती है ठीक है ये भी लंबा टॉपिक है तो हम करेंगे आगे डेफिनेटली करेंगे ठीक है इसको प्री से पहले आपके जो ये मार्च चल रहा है मार्च एंड तक कर देंगे ठीक है जी तो यहाँ पर ग्रोथ होगी एल्गी की बहुत ज़्यादा ऊपर तो इट मीनस कि यहाँ पे इसको ये फर्टिलाइजर जब इंक्रीज हुए तो यहाँ पे अलगी की ग्रोथ हुई है तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बता दिया कि वहाँ पे उसको नीड वाटर एंड फर्टिलाइजर ठीक है जी उसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों यहाँ पे फोर्थ जनरेशन फोर्थ जनरेशन और थर्ड जनरेशन ऑलमोस्ट सेम है सिर्फ टेक्नोलॉजी का फ़र्क है और यहाँ पे जैसे एलगी है थर्ड जनरेशन वहाँ पर उसको डिस्ट्रॉय करना पड़ता है ठीक है जी तो डिस्ट्रॉय करना पड़ता है लेकिन यहाँ पे जो हमारा ये वाला है पे फोर्थ जनरेशन फोर्थ जनरेशन के लिए अभी बहुत ही नेसेंट स्टेज के ऊपर है इसकी टेक्नोलॉजी अभी इतनी आई नहीं टेक्नोलॉजी ठीक है तो इसलिए इसके अंदर बहुत ही नेसेंट मतलब यहाँ पे प्लांट्स को डायरेक्ट लिंक करके हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेंगे वहाँ सनलाइट वो लेगा ऐसे करके टेक्नोलॉजी के नए नए मॉडल बनाएंगे और वहाँ से वो इलेक्ट हम बायोफ्यूल वगैरह बना सकते हैं ठीक है जो भी वहाँ से कार्बन सोर्स ले लेंगे ठीक है जी कार्बन सोर्स ले लेंगे और वहाँ से बायोफ्यूल बनाएंगे तो ये अभी टेक्नोलॉजी अभी बहुत ही स्टेज के ऊपर है तो आपको क्या याद रखना है फर्स्ट जनरेशन के अंदर हमारे पास अच्छी हसी टेक्नोलॉजी है सेकंड की भी थोड़ी बहुत है उसके बाद थर्ड की कम है फोर्थ की बिल्कुल ही कम है ठीक है फर्स्ट जनरेशन फूड क्रॉप सेकेंड नॉन फूड क्रॉप थर्ड जनरेशन एल और फोर्थ जो है वो थर्ड जनरेशन का ही पार्ट है लेकिन वहाँ पर बायोमास की डिस्ट्रक्शन नहीं होती चलो आगे चलते हैं पी टू रिसीव ग्लोबल सेरा अवार्ड की बात कर रहे हैं एक स्कीम हमने कर ली पीएम जीवन अब दूसरी स्कीम देख लो जल्दी से सौभाग्य सौभाग्य स्कीम क्या हर घर बिजली ठीक है जी हर घर में बिजली पहुंचानी है तो अब यहाँ पे प्री के लिए फटोफट -फड़ नोट करो स्कीम ही है इसके अंदर कुछ ऐसा नहीं है हाउस होल्ड कौन से ऑल हाउस होल्ड बोथ अबव पावर्टी लाइन एंड पुअर फैमिली इन रूरल एरिया पहली बात दूसरी बात पुअर फैमिलीज इन अर्बन एरिया अब वो बोलेगा ऑल हाउस होल्ड इन रूरल एंड अर्बन वो स्टेटमेंट गलत है बिल्कुल याद रखना ध्यान से वहाँ क्योंकि हम जब पढ़ते समय ध्यान नहीं देते तो एग्ज़ाम के अंदर भी हमें वहाँ पे हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं अब इसकी नोडल एजेंसी कौन है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन है जी डिस्कॉम जीडी जी। डिस्कॉम क्या है जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ है वो क्या करेंगी गाँव गाँव में जाके उसका कैंप लगाएंगे अगर किसी को जो भी एप्लीकेशन है ना देनी है इलेक्ट्रिसिटी के लिए वो वहाँ पे दे सकता है ठीक है जी तो हाँ दूसरा सेक डेटा जो जो देखो कोई भी जो गवर्नमेंट की स्कीम है ज़्यादातर उसका क्या जो आइडेंटिफिकेशन होती है वो कौन करता है ज़्यादातर ज़्यादातर वो करती है स्टेट क्योंकि जो बेनिफिशियरी उनकी आइडेंटिफिकेशन सेक डेटा तो यहाँ पे हमारे पास एक और टॉपिक आपने नोट करना है ये आएगा आगे ठीक है अभी सेंसिस की बात करें सेक डेटा के अंदर डिफरेंस क्या होता है एंड uh, सेंसस दोनों को कौन करता है और क्या डिफरेंस होता है ये हमने टॉपिक करना है याद रखना अपने नोट्स के अंदर भी निकलना ये आपको पता भी होना चाहिए अगर नहीं पता तो डेफ़िनेटली हम करेंगे इसको आने वाले लेक्चर के अंदर और ठीक है और अगर बाकी बात करते हैं आगे जाके ठीक है दैन सौभाग्य के अंदर क्या है अगर मान लो कोई अनिलेक्ट्रीफाइड हाउस होल्ड जो सेक डेटा के अंदर नहीं है तो उससे पाँच सौ रुपया लेंगे और दस इंस्टॉलमेंट में उसने भरना है ठीक है जी इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन जो अनइलेक्ट्रीफाइड हाउस होल्ड इंक्लूड ए, क्या क्या इंक्लूड है इसके लाइन केबल एनर्जी मीटर ये इतना ज़रूरी नहीं है बस ये वाला याद रखना अगर ऐसे स्टेटमेंट आती है कि सेक डेटा नहीं है तो आपको वो स्कीम के अंदर बेनिफिट या कोई भी प्रोविज़न नहीं है है प्रोविज़न तो वहाँ पे जो ए, दस उसके बना इन केस ऑफ इलेक्ट लोकेट इन रिमोट एरिया मान लो रिमोट एरिया के अंदर है तो वहाँ पर पावर पैक वगैरह का सारा इंतजाम करेंगे तो वो है बस आपको ज़्यादा डिटेल के अंदर नहीं जाना आपने क्या याद रखना है देखो इस स्कीम को पढ़ते कैसे मैं वो भी बता देता हूँ आपको आपको पता है सेक डेटा की बात कर रहे हैं एक इस स्टेटमेंट से आपको याद नहीं करनी जब आप याद करते हो कन्फ्यूज़ हो गए आपको इतना पता है सेकड डेटा नहीं है तो तब भी कुछ प्रोविज़न है एक हो गया आपको ये पता है यहाँ पे लास्ट पॉइंट क्या हो अनइलेक्ट्रीफाइड अब वो बोलेगा कि जो जो रिमोट एरिया है वहाँ पे ये स्कीम नहीं कोई प्रोविज़न नहीं है क्योंकि जहाँ पे रिमोट एरिया के अंदर जैसे पहाड़ियों के ऊपर चले जाओ वहाँ पे जो ट्रांसमिशन लाइंस ही नहीं है वहाँ पे क्या करेंगे लेकिन वहाँ के लिए भी हमारे पास सोल्यूशन है ठीक है और वो सारा वन डी फैन वगैरह वो, वो सारा हम देंगे वहाँ पे तो ये हमने याद रखना है और नहीं रखना है ये याद रखना है कि वहाँ पर भी प्रोविज़न है बस इतना याद कर लो ऐसे पढ़नी है आपने स्कीम आपने हमें सिर्फ रैंक लेना है इसके अलावा कुछ नहीं है पीएचडी हमने करनी नहीं है कि वहाँ पे सौभाग्य का हमारा भी सौभाग्य होना चाहिए ना अगर आप क्लियर करोगे सेंटर सेक्टर स्कीम है ये याद रखना है हंड्रेड परसेंट फंडेड बाई यूनियन मतलब इन द सेंस कि स्टेट को कोई भी फंड इसके अंदर देने की जरूरत नहीं है ऑल दो जो रिमेनिंग है वो डिस्काउंट देती है वो बैंक से लेके ठीक है जी 2019 थाउजेंड नाइनटीन के अंदर स्टेट ने बोल दिया कि ऑलमोस्ट 100 परसेंट हमने कर दिया है नेक्सेलाइट को और कुछ कुछ एरिया है रहते हैं ठीक है जी इसको आप डैशबोर्ड के ऊपर भी जा देख सकते हो लेकिन इतना हमने फिर वही बात है पी वाली दूसरी एक और स्कीम है जी ग्राम ज्योति योजना स्कीम तो ग्राम है ग्राम के बारे में बात हुई है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रो पावर कर रही है इसको तो सेंटर सेक्टर स्कीम है अब ये देखो इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ऑल विलेज ये विलेज है वो हाउस होल्ड है ऐसा भी कर सकते हैं कि वो कुछ ना कुछ यू इनको इंटरचेंज कर दे फीडर लाइन सेपरेशन करने मान लो पहले क्या होता था हमारे एग्रीकल्चर के लिए भी और हाउसेज के लिए भी है ना सेम लाइन आती थी इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम बहुत हो जाती थी वेस्टेज भी होती थी घर में भी लाइट है उस टाइम पे वहाँ पे भी लाइट है और वो जब तो अब क्या किया इसमें क्या कर रहे हैं इसको सेपरेट कर देंगे ठीक है एग्रीकल्चर वाली अलग रहेगी दूसरी तो वो एग्रीकल्चर में जिस टाइम पे डिमांड है है ना जैसे मान लो ट्यूबवेल की डिमांड चल रही है उस टाइम पे हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए पानी देना है उस टाइम पे वो उस ध्यान से रख के हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सकते हैं ठीक है और इसके अंदर मैंने ये बता दिया सेपरेशन ठीक है जी डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बनाएंगे बस यही एक पॉइंट है इसके अंदर याद करना और मिनिस्ट्री कौन सी है ठीक है जी अब बात करते हैं वेरी वेरी एक और इम्पॉर्टेंट अगर हम जैसे इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ विलेज की बात करते हैं तो पहले तो पता होना चाहिए कि कौन से विलेज को अब कैसे इलेक्ट्रिफिकेशन मतलब बोलोगे ये विलेज एक इलेक्ट्रीफाई हो चुका है अगर हम गवर्नमेंट की साइड के ऊपर जाएं दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रीफाइड विलेज वो क्या डेफिनेशन देते हैं वो बोलते हैं आ, 1997 से पहले क्या डेफिनेशन थी रेवेन्यू एरिया के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पहुँचा दी तो हो जाता था उसके बाद इन्होंने थोड़ा चेंज किया लेकिन ये दोनों हमने याद नहीं करनी ये तो पुरानी बातें होंगी ठीक है ये लिखी सिर्फ इसलिए कि उससे पहले भी था हमें याद करनी है जो 2004 के बाद में अब कैसे एक विलेज को बोले कि वो इलेक्ट्रीफाइड है है ना डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स इन्हेबिटेटल इक्वालिटी है ना बस्ती वगैरह में वहाँ पर जो ट्रांसमिशन लाइन्स पहुँच गई होनी चाहिए नंबर वन सेकेंड जो इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए कौन से पब्लिक प्लेसेस के ऊपर जैसे स्कूल्स हो गए पंचायत वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पहुँचा देनी चाहिए तीसरा जो हाउस होल्ड है वो एटलीस्ट जो विलेज के हैं वो दस परसेंट इलेक्ट्रीफाइड हो यहीं पे पॉइंट है समझे आप यहाँ पे देखो कितना बड़ा पॉइंट है कि मान लो एक विलेज के अंदर सौ हाउस होल्ड है वहाँ पर दस को हमने बिजली दे दी तो वो विलेज इलेक्ट्रीफाइड है और ये मेन मेन यहाँ पे करती है यही इसी बात से क्रिटिस भी होता है कि आप हाउस होल्ड आप विलेज को इलेक्ट्रिफिकेशन के बारे में बोले विलेज इलेक्ट्रीफाई कर दिया विलेज विज कहाँ है दस परसेंट तो है एट लीस्ट होनी चाहिए ठीक है ओके okay, आगे चलते हैं तो इंडिया का रीन्यूबल टारगेट भी देख लेते हैं इसी के साथ सोलर मिशन के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ नॉन रीड्यू के अंदर ठीक है रीन्यूबल एनर्जी के अंदर हमारा जो टारगेट है 2022 का क्या टारगेट है जी 175 सेवनटी हंड्रेड ये हो गया 60 70 175 सेवनटी फाइव के अंदर हमने हंड्रेड गीगावाट वॉट कहाँ से लेने हैं हंड्रेड गीगा सोलर के हैं ठीक है जी सिक्सटी विंड के हैं टेन जो है हमारे बायोमास के हैं और फाइव हुए हैं हमारे स्मॉल हाइड्रो के एक और आपको बात याद रखनी अभी गवर्नमेंट ने रीन्यूबल के अंदर जो लार्ज हाइड्रल है लार्ज हाइडल हाइड्रो पावर प्लांट मतलब ठीक है उसको भी डाल दिए तो अभी इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं सोलर में से चालीस होगा अल्ट्रा मेगा पावर सोलर प्रोजेक्ट अल्ट्रा मेगा पावर सोलर प्रोजेक्ट कौन से होते हैं जिसका फाइव मेगावाट से ज़्यादा हो ठीक है जी कैपेसिटी इंस्टॉल कैपेसिटी उसको अल्ट्रा मेगा बोलते हैं रूफ टॉप जो घर में छतों के ऊपर लगेंगे ठीक है बैंक बैंकों के ऊपर लगे होते हैं बहुत जगह पर लगे होते हैं और देन यूटिलिटी स्केल जो आ, सोलर प्रोजेक्ट के अंदर जो यूटिलिटी के लिए है ये भी हम करते हैं इसके अंदर एक देखो ये नेट मीटरिंग नेट मीटरिंग क्या मान लो आपके एक पास घर है ठीक है आपने सोलर लगा दिया सोलर पैनल लग गया अब क्या होगा आप इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हो मान लो आपने अस्सी प्रोड्यूस की ठीक है जी और आपकी यूज़ हुई सिक्सटी तो आपने ट्वेंटी जो है वो ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर चले जाएगी और यहाँ पे चले जाएगी इट मीन्स कि आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी बनी थी और यूज़ हुई है वो उसमें डिफरेंस है है ना तो बीस कितना डिफरेंस है बीस का तो इट मीन्स बीस के हिसाब से आप आपको पैसे मिलेंगे ठीक है क्योंकि आपने बीस प्रोवाइड किया अब दूसरा केस ले लेते हैं मान लो आपने प्रोड्यूस किया आपके सोलर ने सिक्सटी और आपकी कंजप्शन एटी है तो इट मीन्स बीस आप यहाँ से लोगे लाइन से ठीक है तो आपने बीस के हिसाब से आपने पैसे पे करने हैं ये है नेट मीटरिंग तो जो नेट रेट रहता है वो हमने पे करना है ठीक है ओके अब बात करते हैं यहाँ पे एक क्वेश्चन और है मान लो इंडिया के अंदर कोई भी सोलर कंपनी आती है वो बोलती है हम प्लांट लगाना है तो पहले तो उसकी बिडिंग होगी बिडिंग मतलब सपोज करो एक बोल रहा है कि बिडिंग क्या मतलब क्या है कि लेटर सपोज कंपनी है ये ठीक है जी अब बिड लगा रहे हैं एक बोल रहा है कि मैं चार रुपये पर यूनिट दूंगा स्टेट बोल रही है अगर दूसरी बोल रही है पाँच रुपए तो ये पाँच रुपये के हिसाब से लग जाएगा उल्टा भी हो सकता है मान लो स्टेट बिडिंग करवा रही है ज़्यादा कंपनियाँ तो तो वो उसी को देगी यहाँ पे यूपीएससी ने ये पूछा था कि डेवेलप बिडिंग के अंदर कौन कौन इन्वॉल्व होता है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन कमीशन स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन कमीशन अब ये इन्होंने बिडिंग कर ली ठीक है जी कोई मान लो प्लांट लगा दिया ठीक है एक एरिया के अंदर ठीक है आपने गुजरात के अंदर लगा दिया वहाँ पर बीडिंग होगी कि आपने बीस साल तक पाँच पर यूनिट हमसे इलेक्ट्रिसिटी खरीदनी है कोई भी कंपनी है कोई कब वो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करेगी है ना तभी करेगी सोलर का जब बहुत ज़्यादा उसका मतलब उसको गारंटी हो कि हाँ बीस साल तक ये खरीदेंगे लेकिन इसी के अंदर एक इशू आ गया जिसको हम क्या बोलते हैं जी पावर परचेजिंग एग्रीमेंट इशू क्या आया लेट अस सपोज करो ये फाइव फोर नाइन है अगस्त टू थाउजेंड फिफ्टीन मतलब एग्जाम्पल पुरानी ले रहा हूँ अभी भी ऐसा ही है अभी और डिक्रीज हो गया यहाँ पे एक सोलर कंपनी आई ठीक है सोलर प्लांट लगा दिया उसने और यहाँ पे एग्रीमेंट हो गया कि फाइव पॉइंट फोर नाइन पर यूनिट हम आपको इलेक्ट्रिसिटी भेजेंगे ठीक है जी स्टेट जो कॉरपोरेशन है ठीक है उसके साथ हो गया एस सी आर सी के साथ अब क्या हुआ अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो मटेरियल की कॉस्ट है जैसे जो सोलर पैनल वगैरह उसकी कॉस्ट लगातार डिक्रीज हो रही है क्यों क्योंकि बहुत से चाइना और ताइवान से हम बहुत ही लो क्वालिटी के मतलब लो क्वालिटी नहीं लो चीप प्राइस के ऊपर बहुत सारा हम जो सोलर पैनल इंडिया के अंदर आ रहे हैं तो इट मीनस के विद द टाइम अगर मान लो यहाँ पे उसने पंद्रह साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया अब होता क्या है पाँच साल के अंदर उस जो ए, जो उसकी ए, क्या बोलते हैं उसके इक्विपमेंट है उसका प्राइस डिक्रीज हो गया इट मीन्स कि यहाँ पे अगर मैंने सेम कैपेसिटी का यहाँ पे सोलो प्लांट लगाना है तो मान लो उसकी वैल्यू थर्टी रह गई यहाँ पे कितनी पड़ रही थी उसको सौ ठीक है जिसने कंपनी ने इस्टेब्लिश किया ठीक है सोलो पैनल पूरा वहाँ पे लगाए सारे प्लांट लगाया सोलो प्लांट तो अब यहाँ पे उसकी कॉस्ट सौ पड़ रही थी क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट उसके इक्विपमेंट की बड़ी थी तो इसने फोर फाइव पॉइंट फोर नाइन से कर दिया विद द टाइम क्या हुआ तीन चार साल पाँच सालों में उसकी कॉस्ट तीस रहेगी क्योंकि इक्विपमेंट की कॉस्ट सस्ती होगी ठीक है अब यहाँ पे जो एग्रीमेंट किया था उसको क्या बोलते हैं पावर परचेजिंग एग्रीमेंट स्टेट ने कर लिया लेकिन यहाँ पे अब जब थर्टी रहेगी अब ये एग्रीमेंट को वो स्टेट क्या करती है तोड़ देती है कहती है हम मानते नहीं क्यों क्योंकि अब देखो यहाँ पे अगर उसकी जो कंपनी आ रही है उसकी इक्विपमेंट की कॉस्ट थर्टी है तो नेचुरली वो यूनिट की कॉस्ट भी आपको सस्ते में ही देगी इलेक्ट्रिसिटी तो ये बहुत बड़ा इशू आ रहा है ठीक है तो लॉन्ग टर्म जो पावर परचेजिंग एग्रीमेंट हो रहे हैं वो बार बार टूट रहे हैं क्यों क्योंकि स्टेट बोलती है अब हम नहीं लेना स्टेट अब 5.49 में 15 साल क्यों लेगी वो पाँच साल बाद 2.44 पॉइंट में चली जाएगी तो ये इसका पावर परचेजिंग एग्रीमेंट है याद रखना आपने और आगे चलते हैं उज्ज्वला स्कीम सेंटर सेक्टर स्कीम है एल फ्री एल देंगे हम रबर ट्यूब और आपको प्रेशर रेगुलेटर वगैरह मिलेगा ठीक है जी मिले <laughs> मतलब एल नहीं मिलेगी याद रखना कहीं ठीक है अब प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अभी सेक डेटा मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है ठीक है जी लेटर बेनीफिशरी जो है उसके अंदर पहले सेक डेटा के अंदर थे बाद में फोरेस्ट डवेलर वगैरह वो भी हमने इन्होंने इंक्लूड कर दी 2019 के अंदर हिमाचल प्रदेश जो फर्स्ट स्टेट बन गई जिसने हंड्रेड कवर किया है लॉकडाउन के अंदर भी आई थिंक तीन तीन, तीन एल के सिलेंडर इन्होंने दिए थे इनको ठीक है जी अब तो सिलेंडर की बात छोड़ो अब कोई बात नहीं है ठीक है तो यहाँ पे ये देखो अगर आपको दिख रहा है 99.5 परसेंट के अराउंड हमने उसका टारगेट अचीव कर लिया तो एक बार इसको देख लो आपको अच्छे से दिख जाएगा ठीक है चलते हैं आगे जल्दी जल्दी उजाला स्कीम क्या जी एल फॉर ऑल एल दो स्कीम्स हैं ठीक है जी एक तो एल फॉर जो उन्नत ज्योति है एंड अफोर्डेबल एल फॉर ऑल एल क्यों देनी है हमने देखो मान लो आपको कोई आपने जो इनकेडेंस एंड बल्ब लगाया है ना जो पुराना आता था वो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी ले रहा है अब आप उसको एल से यूज़ करते हो आप एल तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कम यूज़ होगी लेकिन लाइट और वगैरह प्रॉपर है तो यहाँ पे इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है इसलिए हमने ये स्कीम लेकर आए हैं तो आपको क्या करना है आपको आईडी कार्ड वगैरह ले जाते हैं और वहाँ पे दिखाते हैं और आपको अराउंड फोटी परसेंट की सब्सिडी के ऊपर वो गवर्नमेंट दे रही है ठीक है फिफ्थ एनिवर्सरी थी ट्वेंटी ट्वेंटी के अंदर तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है बहुत सारे इसको अवार्ड मिले हैं लेकिन हमें क्या ठीक है तो उजाला स्कीम के अंदर क्या है अब इसको देखो कौन पैसा कौन देता है पावर मिनिस्ट्री ई एस एल को ई ई एस एल क्या है पी एस यू है जॉइंट वेंचर है पी एस यू का ठीक है जी तो कोई स्टेटरी बॉडी नहीं है वहाँ एग्जाम में बस यही याद रखना तो उजाला स्कीम के अंदर क्या है एल ई डी मिलते हैं आपने शायद लिए भी होंगे ठीक है जी हो काम कैसे करता है देखो ई ई एस एल जो है है ना अब इसको काम दिया गया ये फोर्टी परसेंट मान लो अगर सौ रुपये प्राइस है तो ये आपको फोर्टी परसेंट की वहाँ पे सब्सिडी देके आपको बल्ब दे देता है ठीक है तो टोटल तो कॉस्ट कौन बॉर्न करता है ई एस एल तो इसको कौन पैसे देगा डिस्कॉम डिस्कॉम कौन है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट करती हैं अब देखो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट करती हैं तो इलेक्ट्रिसिटी बल्ब वगैरह ज़्यादा लेते हैं है, है ना तो ट्रांसमिशन क्योंकि उतने ज़्यादा इसके ऊपर बर्डन बढ़ता है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के ये भी सब्सिडी के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी आपको पता है बहुत सारी स्टेट्स ने क्या किया हुआ है कम कॉस्ट के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी देते हैं और लॉस किसको होता है जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को लॉस होता है ठीक है तो अब अगर एफिशिएंट बल्ब लगा दिया एलईडी, एलईडी लगा दिया तो अब इसको भी बेनिफिट होगा ठीक है अब इसको बेनिफिट होगा तो क्या होगा एल जो ई एस एल को पे उस ये ई एस एल को पे कर देगा ठीक है तो ये इसका सिस्टम है नो सब्सिडी रिक्वायर्ड फ्रॉम गवर्नमेंट गवर्नमेंट के थ्रू कोई भी सब्सिडी की जरूरत नहीं है दूसरा है जी एस एन एल पी तो ये क्या है स्ट्रीट बल्ब जो स्ट्रीट के अंदर जो हेलोजन बल्ब लगे होते हैं उसको ये चेंज करके वहाँ पे एल ई डी वगैरह लगाएंगे ठीक है उससे भी क्या होगा गवर्नमेंट क्योंकि गवर्नमेंट के जल रहे हैं तो उससे गवर्नमेंट को भी जो इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा कमाएगा और बेनिफिट होगा ठीक है अब बात करते हैं जो एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है इनके के केडिसेंट बल्ब सी एफ एल और एल ई डी के अंदर क्या है फ़र्क देखो ये फिलामेंट आपने पहला बल्ब देखा होगा येलो कलर का उसके अंदर दो चीज़ें हैं एक तो लाइट निकलती है एक हीट इट मीन्स जो इलेक्ट्रिसिटी दो चीज़ें दे रही है हीट भी दे रही है और लाइट भी दे रही है तो यहाँ पे हीट की तरफ से भी इलेक्ट्रिसिटी लॉस हो रहा है यहाँ पे भी लॉस हो रहा है डबल लॉस हो रहा है इट मीन्स कि ये इन है ठीक है जी सी एफ एल की बात कर लेते हैं सी एफ एल जो इन से बढ़िया है अगर मैं कौन सा सबसे बढ़िया है एल दूसरे नंबर पे सी तीसरे नंबर पे बल्ब ये याद रखना आपने एग्जाम के लिए अब सी एफ एल के अंदर क्या है इलेक्ट्रिक करंट है ठीक है जी आपने देखा होगा अगर सी एफ एल को अगर तोड़ के देखो तो अंदर मरकरी होती है ठीक है अब इसके अंदर फ्लोरोसेंट कोटिंग होती है आर्गन गैस होती है उसके अंदर और मरकरी वेपर होते हैं तो जब लाइट चलती है ठीक है अंदर इलेक्ट्रिसिटी ट्रेवल करती है तो वो इनको क्या करती है एक्साइट करती है जब ये आपको फ्लोरोसेंट पता है वो चमकता है ना अब जब एक्साइड करेंगे तो आपने देखा होगा वो थोड़ा टाइम लेती है जलने के लिए क्योंकि अंदर एक्साइट एक्साइटेशन वहाँ पे जब होती है एक्साइट करने का टाइम लगता है थोड़ा उसके बाद ये पूरा ग्लो करता है ठीक है मरकरी अगर आपने देखी होगी तो मरकरी वहाँ पे होती है थोड़ी बहुत ठीक है सी जो है ये मैंने बता दिया डिम होता है स्टार्टिंग के अंदर तो ये उसके कंपैरिजन जो इनके कैंडिसेंट बल्ब है उसके कंपैरिजन सी एफ एल बढ़िया है लेकिन लाइफ स्पेन इसका छोटा है हाँ एक और पॉइंट है यहाँ पे सेवेंटी परसेंट तो इसके ये सेवेंटी परसेंट लेस एनर्जी लेता है एज कम्पेयर टू हमारा ट्रेडिशनल बल्ब उसके बाद एल चलते हैं जी एल किसके ऊपर बेस्ड काम है ये सेमी कंडक्टर है डायोडोज के अंदर होते हैं फ़ोटोन के थ्रू काम करता है ठीक है जी इलेक्ट्रॉन एक फ़ोटोन क्रिएट करता है अब ये फ़ोटोन हमारा क्या करता है अब ये हीट नहीं जनरेट करता इतनी ठीक है जी हीट नहीं जनरेट करेगा तो वहाँ पे लाइट ही जनरेट करेगा इट मीन्स कि इसकी जो इलेक्ट्रिसिटी है ये कम लेगा ठीक है तो ये सेवेंटी फाइव परसेंट मोर एफिशिएंट है मतलब ले, लेस एनर्जी लेता है उसके कंपैरिजन ठीक है तो ये कंपैरिजन बताया कि एल ई डी फ्लड लैंप है अगर वो ग्यारह से बारह वाट है वो उसके फिफ्टी वाट के इक्वल है ठीक है डन ओके अब बात करते हैं कि फूड अवेलेबल एट कंज्यूमर लेवल वेस्ट फूड वेस्ट की बात करते हैं देखो यू की रिपोर्ट है हमें याद रखना इसलिए इंपॉर्टेंट है मेन्स के अंदर आपके काम आएगी सेवेंटी परसेंट ऑल फूड जो अवेलेबल है वो वेस्ट हो रहा है दो बातें इसने की हैं एक ये बोलता है कि भाई जितना फूड हमारा है ऐसा नहीं है कि डिवेल्प कंट्रियाँ वेस्ट कर रही हैं और डेवलपिंग नहीं वेस्ट कर रही दोनों इनकम का इतना उसका लिंक नहीं है एक बात दूसरी बात करता है कि भाई जितनी भी वेस्टेज है जैसे ऑन एवरेज सेवेंटी फोर के जी ऑफ द फूड वाज वेस्टेड पर कैपिटा एट हाउस होल्ड लेवल इंडिया की एवरेज कितनी है फिफ्टी ये आपके मेंस के लिए आपके लिए एग्जांपल है यहाँ पे इसको आपको मेंस के अंदर यूज़ करना है फूड वेस्ट से होता क्या है देखो एक फ़ूड फूड को ग्रो करना है लेट लेटर सपोज राइस राइस को ग्रो करोगे आपको वाटर चाहिए अराउंड थ्री थाउजेंड पर के जी वाटर लगता है ठीक है दूसरा डिपेंड करते है एरिया टू एरिया ठीक है दूसरा राइस के अंदर हमें आपको पता है पैडी फील्ड के अंदर हमने पढ़ा था क्या पढ़ा था मिथेन गैस रिलीज़ होती है है ना तो मिथेन गैस क्या है ग्रीन हाउस गैस इट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज़ हो रही हैं दूसरा अगर मान लो मैं यहाँ पे इसको फूड को वेस्ट कर रहा हूँ तो ये लैंडफिल या डंप डंपिंग वगैरह होगी है ना अब डंप के अंदर जब ये ब्रेक डाउन होगा तो यहाँ पे इसको कौन ब्रेक डाउन करेगा बैक्टीरिया ठीक है तो अगर तो वो बैक्टीरिया आपका एरोबिक है जो मैंने डिस्कस किया था प्रीवियस क्लास के अंदर तो क्या रिलीज होगा मोस्टली सी अगर एन एरोबिक है मतलब अगर वो बहुत ही नीचे दबा हो यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो रही है विद द टाइम तो ये मिथिन रिलीज करेगा तो यहाँ पे देखो कितनी ग्रीन हाउस के रिलीज हो रही है ये कंसेप्ट ये एप्लीकेशन है इसकी ऐसे आपको पता होना ये कंसेप्ट आपको मैंने पढ़ा दिया वही अप्लाई होगा ऐसे आपने उसके अंदर एप्लीकेशन देनी है ठीक है जी रिड्यूसिंग फूड वेस्ट से क्या होगा ग्रीन हाउस गैस कम होगा मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको जी है ना डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचर अवेलेबिलिटी ऑफ फ़ूड रहेगा हंगर और पॉवर्टी डिक्रीज होगी मनी पैसा तो बचे गई और एस डी जी ट्वेल्व पॉइंट थ्री के अंदर ठीक है पर जो हमारा ये बोला गया कि हाफ करना है हमने पर कैपिटा फूड वेस्ट को तो उसके लिए अभी जल्दी से देख लेते हैं ये क्या है देखो पहले पावर्टी ये आपने याद रखना है तो दूसरे नंबर पे हंगर है फिर हेल्थ है फिर एजुकेशन है पी एच एच ई उसके बाद बात करते हैं पांच पांच हमारी जैसे उंगली पांच है तो यहाँ से आपने याद रखना है कि पांच का मतलब यहाँ पे इक्वालिटी और इनक्वालिटी की बात हो रही है तो जेंडर इक्वालिटी की बात हो रही है ये पाँचों इक्वल तो नहीं है ठीक है छस होता है सिक्स से एस से क्या गया सैनिटेशन ठीक है इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट याद कर लो अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी सेवन हमारी गवर्नमेंट का टारगेट क्या है ट्वेंटी फोर इंटू सेवन हमने इलेक्ट्रिसिटी देनी है तो यहाँ से याद रखना सेवन से क्या आ गया हमारा एनर्जी ठीक है एट आपको पता है कि जो हमारे डेली जो वर्किंग आर है वो एट आर है रखे हमने तो एट आर है तो यहाँ पे डिसेंट वर्क की बात करते हैं नाइन इंडस्ट्री नाइन इन्होंने ऐसे लिखा है ऐसे ही इंडस्ट्री बढ़ता है ठीक है ये आ गया आपका दस इनक्वलिटी वन ज़ीरो दोनों इनिक्वलर एक जीरो एक वन इनिक्वालिटी आ जाएगी यहाँ पे इलेवन सिटीज़ यहाँ पे ये यह देखो ये फिगर ऐसे वन की तरह लिखी हुई है ना नहीं, नहीं इनिटी बाकी हमारा हाँ ये इंपॉर्टेंट है तेरह क्लाइमेट चेंज क्योंकि मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो के अंदर कि जो क्लाइमेट चेंज की हम बात करते हैं तो वहाँ पे कन्फ्लिक्ट किसके बीच में रहता है वो रहता है हमारा डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री के बीच में ठीक है तो डेवलप कंट्री क्या बोलती है डेवलप कंट्री बोलती है कि तेरा कसूर है और डेवलपिंग कंट्री बोलती है कि नहीं तूने पोल्यूशन किया है तू कम कर तो एक है ना तेरा नहीं तेरा <laughs> so, चलो याद करना जैसे मर्जी कर लो तो ये क्लाइमेट एक्शन की बात कर रहे हैं तो क्लाइमेट एक्शन में ये तेरा तेरा चलता है ठीक है ओके okay, बाकी फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट की बात करते हैं जी नौ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है पहले तो ये पता हो फूड क्या होता है ठीक है जी फूड क्या होता है पहले तो यहाँ आ आपको क्वेश्चन आ, आ जाएगा फूड क्या है प्रोसेस्ड सेमी प्रोसेस्ड रॉ मटेरियल है ड्रिंक है स्पॉयल्ड मटेरियल देर फॉर नो लॉन्गर फिट टू ह्यूमन ये सारा आ गया ये इंपॉर्टेंट है कि आपको अगर एग्ज़ाम के अंदर ऐसा आ गया कि यूएन के अकॉर्डिंग क्या फूड की डेफिनेशन क्या है क्या क्या चीज़ें फ़ूड के अंदर इंक्लूड होती हैं कॉस्मेटिक टोबैको सब्सटांस जो ओनली एज ए ड्रग हम यूज़ करते हैं वो नहीं है और प्रोसेसिंग एजेंट ये नहीं है बस ऊपर वाला तो ठीक है ये दो चीज़ें आपने याद करनी है कि अगर कहीं ऐसा पूछ लिया इनएडिबल पार्ट फूड के कौन कौन से होते हैं ठीक है जी नॉट इंटेंडेड टू कंज्यूम बाय ह्यूमन ठीक है जैसे बॉन्स है राइड्स है मतलब जो स्किन है उसकी स्टोन्स हैं डू नॉट इंक्लूड पैकेजिंग ये आपने याद रखना है डॉन इनएडिबल पार्ट जैसे मान लो चिकन फीट है कहीं पे ये कंज्यूम किए जाते हैं कहीं पे नहीं कंज्यूम किए जाते तो ये डिपेंड करता है कंडीशन टू कंडीशन तो कहाँ पे इसको एडिबल पार्ट और इनएडिबल पार्ट माना जाए फूड वेस्ट की डेफिनेशन कर लेते हैं क्योंकि हमने यही तो पढ़ा है फूड वेस्ट के एसोसिएटेड विद पार्ट्स रिमूट फ्रॉम द फूड सप्लाई चेन फॉलोइंग सेक्टर जैसे मैनुफेक्चरिंग ग्रॉसरी ये सारा हो गया सिंपल डेफिनेशन है इसमें कुछ भी नहीं है रिमूट फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी सप्लाई चेन का मतलब क्या है ये देखो ना पार्ट्स रिमूट फ्रॉम ह्यूमन फूड सप्लाई चेन क्या होता है ये मीन्स वन और फॉलोइंग डेस्टिनेशन मतलब कौन सा ह्यूमन फूड चेन से रिमूव किया जैसे मान लो कोई भी फूड है उसको हमने उठा के जैसे लैंडफिल के अंदर चला गया है ना वहाँ पे एनारोबिक डाइजेशन ये हमने किया है एनोरोबिक डाइजेशन के अंदर क्या होता है जी एनारोबिक के अंदर क्या मिथेन रिलीज होती है जैसे आपका बायोगैस प्लांट है वहाँ पे क्या है मिथेनोजन बैक्टीरिया ठीक है जी मिथेनोजन बैक्टीरिया है तो वो रिलीज़ करते हैं ये हमने डिस्कस कर लिया इसको एक बार पढ़ लेना चाहिए रेल टेल लॉन्च वाई आपको पता है कि बहुत ही सारे रे, रे, रेलवे स्टेशन के ऊपर गवर्नमेंट ने बोला था हम फ्री वाईफाई देंगे है ना तो उन्होंने दिया ठीक है तो अब उन्होंने बोला कि भाई इतना भी फ्री नहीं है कि वो फ्री लोगों के लिए नहीं है जो दो दो घंटे पे वहाँ पे इंटरनेट ही चलाते रहे तो इन्होंने बोला कि हम एक नई पॉलिसी ले हैं जो अगर आप तीस मिनट से ऊपर ज़्यादा वाईफाई यूज़ करोगे एक एम बी ठीक है तो वहाँ पे आपको पे करना पड़ेगा और हाइय स्पीड के लिए भी इन्होंने प्लान बता दिए हैं दस रुपये पाँच जी बी डेटा ये आपको याद नहीं करने अगर किसी ने डी एन डी देखना हो रेलवे स्टेशन में बैठ के देन ही कैन यूज़ दिस और दिस ऑप्ट कर सकते हो अदरवाइज़ घर में बैठ के पढ़ो अपना अच्छे से और रैंक लेके आओ एटलीस्ट हमें तो प्राउड फील हो ठीक है जी तो ये सारे प्लान मैंने आपको बता दिए हैं ये आपको एग्ज़ाम के लिए याद नहीं करना सिर्फ उतना याद रखना है रेल वायर की बात करते हैं अब ये प्रोग्राम जो है रेल वायर वाईफाई नेट देना है है ना तो कौन देगा इसको ये रेल टेल जो है पी एस यू है मिनी रत्ना ये भी आपने अगर ए, मिनी रत्ना नवरत्ना और महारत्ना ठीक है जी ये तीनों का आपको डिफरेंस पता होना चाहिए नहीं पता तो मुझे कमेंट में बता देना किसी वीडियो के अंदर मैं पूरा इसको डिटेल के अंदर करवा दूंगा ठीक है तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने ये स्टार्ट किया है ठीक है जी जनवरी के अंदर स्टार्ट हुआ था गूगल भी इसका पार्ट है अभी गूगल ने बोला कि और भी बहुत सारे प्रोग्राम आ गए हैं मे बी वो वो चले जाए अब इसके पास पैसा कहाँ से आएगा हमारे पास इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है कौन सी मिनिस्ट्री ठीक है जी रियल टेल क्या है दो प्री के लिए तीसरा इसको पैसा कहाँ से आएगा यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड अब बात करते हैं यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फ़ंड की आपको पता है बड़ी बड़ी कंपनियों से आप इंटरनेट वगैरह लेते हो अब वो इंटरनेट के अंदर कंपनियों से एक्स्ट्रा पैसे चार्ज करते हैं वो पैसा जाता है यू एस ओ एफ के अंदर ऐसा क्यों ताकि हम रूरल एरिया के अंदर भी इंटरनेट प्रोवाइड कर सकें ताकि एक लो कॉस्ट के ऊपर इंटरनेट प्रोवाइड कर सके वही इसका जो एम है यूसफ़ का तो इंडियन टेलीग्राफ अमेंडमेंट एक्ट 2003 के अंदर ये आया था ठीक है वहाँ पे इसको मतलब स्टेटचरी स्टेटस मिल गया ठीक है दूसरी इन्फॉर्मेशन हमें याद करनी है प्री के लिए कि यूनिवर्सल हाँ फाइव परसेंट चार्ज लिवाई करते है इसके अंदर पैसा कहाँ से आता है है ना रेल वायर को तो इसने दे दिया लेकिन इसके पास कहाँ से आएगा एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू देखो एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू क्या होता है कि कोई भी कंपनी है वो लाइसेंसिंग फीस स्पेक्ट्रम की फ़ीस वगैरह है ना जो स्पेक्ट्रम यूज़ कर रही है अभी ऑप्शन चल रहा है आपको पता है स्पेक्ट्रम यूज़ कर रही है और लाइसेंसिंग की फीस दोनों गवर्नमेंट को पे करती है यही एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू उसके परसेंट ठीक है अब ये एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू के अंदर आता है तो वहाँ पे गवर्नमेंट को थ्री टू फाइव और एट परसेंट दो कैटेगरी के अंदर इसको देते हैं गवर्नमेंट को पैसे देते हैं वो पैसा हमारा यू एस ओ एफ के अंदर जाता है ठीक है जो मतलब जो कंपनी यूज़ कर रही है स्पेक्ट्रम यूज़ कर रही है देन लाइसेंसिंग फीस है ऐसे वो उसका जो परसेंटेज देना पड़ता है गवर्नमेंट को उसको बोलते हैं एडजस्टेड ग्रॉस रेवन्यू अब बात करते हैं अभी उसके अंदर इशू था गवर्नमेंट ये कह रही है कि जो एडजस्टेड ग्रॉस रेवन्यू है उसके अंदर क्या क्या आएगा लाइसेंसिंग फ़ीस स्पेक्ट्रम फीस वगैरह तो आपकी है, है जो एसेट है मान लो आपने कहीं पे एसेट को इन्वेस्ट किया है तो वो भी उसका भी शेयर हमें दो गवर्नमेंट ये बोल रही है मतलब ज़्यादा पैसा मांग रही है कंपनी कहती है कि ये वाला नहीं मिलेगा भाई ये तो उसके अंदर है ही नहीं तो ये सारा इशू उसके अंदर है तो आपको ये डेफिनेशन पता होनी चाहिए मतलब एक कंसेप्ट पता होना चाहिए एडजस्टेड ग्रॉस रेवन्यू है क्या ठीक है जी ओके आगे चलते हैं हाँ एक और इन्फॉर्मेशन है कंसोलिडेटेड फ़ंड के अंदर आता है आपने लक्ष्मीकांत के अंदर देखा होगा कंसोलिडेटेड फंड कंटेंजेंसी फंड वगैरह उसको भी पढ़ना है आपने ठीक है जी वो वैसे ही पढ़ने हैं कोई ऐसा खास न्यूज़ के अंदर नहीं है ओके okay, अब ये यूसुफ की मनी जो है वो नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के अंदर भी यूज़ मतलब उसको भी देते हैं अब ये बात करते हैं एन क्या है भाई ये क्या है 2011 के अंदर उसका बाद में नाम चेंज करके हमने 2015 के अंदर भारत नेट डाल दिया मतलब ये है कि अभी आपने देखा होगा जब कोरोना के टाइम पे प्रधानमंत्री ने बहुत सारी जो हमारे पंचायत के साथ बात की थी तो यही बात है कि हमने पंचायत को एक इंटरनेट से हाई स्पीड से फाइबर ऑप्टिक से लिंक करना है क्यों करना है क्योंकि क्यों मान लो अगर मान लो कोई गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली अब वो सीधी स्कीम जो है पंचायत के पास चली जाएगी जैसे पंचायत के साथ पास चली जाएगी वो उसके एप्लीकेशन अच्छी होंगी और वो लोगों को उसके बारे में इंफॉमेशन ज़्यादा मिलेगी तो पंचायत को भी डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन मिलेगी ठीक है अभी तो क्या होता है कि भाई गवर्नमेंट की एक स्कीम आई न्यूजपेपर में आई पंचायत वाले ने पढ़ी ना पढ़ी दो तीन महीने में पता चलता है लोगों को पता नहीं चलता कितनी आई कितनी चलेगी ठीक तो है तो यहाँ पर देखो बी एस एन एल ने आपको पता है बहुत जो से डार्क फाइबर डाला था फाइबर डाला था ठीक है हर गली मोहल्ले में कि हम इंटरनेट चलाएंगे लेकिन बाद में जियो बाबा आए और आपको पता है उसके बाद वही जी रहा है बाकी तो कोई जी नहीं रहा ठीक है अब ये फ़ाइबर वगैरह जो फाइबर आप डाल दी अब ये बोलते हैं बी को भी तेरे ऐसी फ्री पड़ी है उसमें कुछ है तो है नहीं तो इसलिए हमें दे दो तो वो अनयूटिलाइज ठीक है जी अन अनयूटिलाइज जो फाइबर है उसको क्या बोलते हैं हम डार्क फाइबर ठीक है अब बात एक और हम एक और साइड बाई साइड आपको चीज़ बता देता हूँ जो फाइबर ऑप्टिकल फाइबर है उसके अंदर अगर आपको स्टेट का एग्जाम दे रहे हो यू के अंदर बहुत चा, कम चांसेस हैं इसके आने के वो फाइबर के अंदर जो जैसे ऐसे अंदर ही रहती है ना पूरी जो लाइट भी है तो इसको क्या बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तो ये इसके बेस के ऊपर काम करती है ठीक है आगे चलते हैं जी एन के बारे में टू कनेक्ट टू पॉइंट फाइव लैख ये मैंने बता दिया आपको डार्क फाइबर सेंटर स्टेट कोलेबरेटिव प्रोजेक्ट है देन अब इसकी तीन फेज हैं पहले फेज के अंदर क्या है वन लैक ग्राम पंचायत को ऑप्टिकल फाइबर केबल से हमने कनेक्ट करना है बाई टू दूसरा फेज़ की बात अगर हम कले टू 2019 के अंदर क्या था ऑल ग्राम पंचायत ठीक है तीसरे फेज़ के अंदर अब हम उसको फुल प्रूफ बनाएंगे और उसके अंदर इंप्रूवमेंट करेंगे बाई ट्वेंटी ठीक है जी डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक सारे कनेक्शन करेंगे मतलब और बढ़ाएंगे सेकंड फेज़ के अंदर जो स्टेट गवर्नमेंट का रोल बहुत जरूरी है क्योंकि हमने ऑप्टिकल फाइबर केबल वगैरह जो पोल्स के ऊपर के चाहिए डालनी है तो वहाँ पे स्टेट के जो पार्टनरशिप है वो चाहिए हमें इंक्रीज साइबर क्राइम वॉलंटियर प्रोग्राम क्या है अभी आप क्या करते हो आप इंटरनेट के ऊपर जो भी कुछ डालते हो तो आपको अगर जो गवर्नमेंट को नहीं मजाया तो आपको बोलती है ये गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ है ना तो आपको एंटी नेशनल बना के वो जेल के अंदर रख देते हैं सडिशन चार्जेस या कुछ भी चार्जेस लगा दिए अभी इन्होंने एक और प्रोग्राम शुरू किया वो कहते हैं कि हम इतनी गर, जो सोशल मीडिया की साइट है हम इतना तो देख नहीं सकते ऐसा करो कि जो कोई भी आके हमारे पास रजिस्टर करे और वो हमारा वॉलंटियर होगा ठीक है साइबर क्राइम वॉलंटियर कोई भी एंटी नेशनल एक्टिविटी हुई वो गवर्नमेंट को बताएगा भाई ये एंटी नेशनल है मतलब आप समझ रहे हो है ना इसका हिडन पर्पस क्या है तो कोई भी एंटी नेशनल एक्टिविटी होगी उसको पेंट कर देंगे भाई ये एंटी नेशनल बंदा है इसने ऐसी एक्टिविटी की अब वो गवर्नमेंट के ऊपर है कि उसको वो एक्टिविटी को क्या बोलती हैं कि वो एंटी नेशनल है या नेशनल को थ्रेट है या नहीं है है ना क्योंकि इसकी एज पर डेफिनेशन तो नहीं है सुप्रीम कोर्ट बार बार कोर्ट बोलती रहती है कि ये नहीं है या नहीं इस एडिशन के अंदर कितने चार्जेस हमने कल भी डिस्कस किया परसों भी डिस्कस किया तो ये साइबर क्राइम के अंदर क्या बोला मैंने ब्रिंग सिटीजन हैविंग पैशन टू सर्व द सोसाइटी यहाँ पर तो चलो वर्ड तो अच्छे हैं पैशन कि सोसाइटी को पैश ए, सर्व करना कि कोई भी लीगल एक्टिविटी हो रही है ना जो इंटरनेट के ऊपर तो वो इन्फॉर्म करेगा गवर्नमेंट को ठीक है जी कि भाई हाँ ये यह, यहाँ पर कुछ गलत हो रहा है उसका गुड स्मार्ट रिटर्न बोलते हैं ये हमारा जो मोटर वहीकल एक्ट है उसके अंदर भी मान लो बाहर कोई एक्सीडेंट हो गया और उसको आप लेके जाते हो हॉस्पिटल तो वहाँ पर भी गुड स्मार्ट रिटर्न वाला जो कंसेप्ट है कि आपको पुलिस कुछ नहीं बोलेगी ठीक है तो ये हो गया अब रजिस्ट्रेशन कैसे करना है अगर आप कर सकते हो अगर आपका दिल करता है तो एनी सिटीजन कैन रजिस्टर हिमसेल्व तीन कैटेगरी के अंदर जा तो अनलाफुल आनला, कंटेंट फ्लैगर बन जाए या प्रमोटर बन जाए या एक्सपर्ट बन जाए ठीक है उसके बाद रजिस्ट्रेशन के बाद डायरेक्टली रिपोर्ट करना है अनलाफुल कंटेंट ठीक है जी फेसबुक इंस्टाग्राम और ट्विटर ठीक है उसके बाद क्रिटिसिज्म क्या कर रहे हैं वो बोल रहे हैं आई फोर सी द इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर एंड एम एच ए हैज़ अलाउड टू रजिस्टर बिना के वे के वी आई सी के के वाई सी सॉरी <laughs> नो योर कस्टमर ठीक है बिना के वाई सी के कोई भी आकर रजिस्टर कर रहा है तो उसके अंदर तो बहुत ज़्यादा जो मतलब एक सर्विलेंस क्रिएट हो जाएगा आपको नहीं पता कि जो, आपके जो पास में बैठा है जिसे आप बातें कर रहे हो दिन रात ठीक है वो साइबर क्राइम वॉलेंटियर निकल आए कल परसों में ना तो आपको जेल जाना पड़े ऐसा भी हो सकता है भाई क्या आजकल किसी का कोई भरोसा नहीं है तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर वाला जो है उसने ये काम स्टार्ट किया है तो ये आपने याद रखना है आई फोर सी हमने परसों किया था ये सारा डिटेल के अंदर उसके मैंने ये भी आपको बताइया थी बताया था कि कौन कौन से जो मालवेयर है अभी तो ये सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे आप पी के अंदर देख सकते हो वीडियो देखनी वीडियो देख लो ठीक है जी उसके बाद चलते हैं नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है ऑलरेडी है, है पुलिस को आप रिपोर्ट कर सकते हो ये तो सारी कंडीशन ऑलरेडी है लेकिन साइबर क्राइम वॉलंटियर की जरूरत नहीं है वो तो टेरर क्रिएट हो जाएगा पूरा सोसाइटी के अंदर तो ये इसका क्रिटिसम हो रहा है इंडियन इंडियन ओवर परफॉर्मर इन फ्रंटियर टेक्नोलॉजी फ्रंटियर टेक्नोलॉजी क्या है देखो भाई एक है हमारे पास डिवेल्प कंट्री एक है डेवलपिंग कंट्री ठीक है जी डेवलप कंट्री आपको पता है ज़्यादातर टेक्नोलॉजी बनाती है अगर मैं यू और रशिया की बात करूँ रशिया के से कोई भी इंडिया इन्फॉर्मेशन कोई भी चीज़ लेता है तो उसके अंदर इंडिया को टेक्नोलॉजी वो हाई एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र वो कर देता है यूएस नहीं करता अब इंडिया मान लो कोई इंडिया ने कोई भी डिफेंस के लिए कुछ लिया है ना एयरक्राफ्ट वगैरह लिए अब वो खराब हो गए तो रशिया के ऊपर यू के ऊपर डिपेंडेंस रहती है इवन रशिया के लिए थोड़ा बेटर है कि वो टेक्नोलॉजी हमें दे देता है बात करते हैं हाई एंड टेक्नोलॉजी अब यहाँ पे बात हम हमारी क्या हो रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थ्री प्रिंटर जो है ना उसके अंदर जो जैसे फ्रांस ने एक एरोप्लेन की जो सीट्स बनाई थी थ्री प्रिंटर से रोबोटिक्स मतलब जो भी जीन एडिटिंग नैनो टेक्नोलॉजी इन सभी के अंदर जो टेक्नोलॉजी इसको फ्रंटियर टेक्नोलॉजी भी आता है लेटेस्ट है, बिल्कुल लेटेस्ट है किसी भी कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट आप देखो डिवेल्प कंट्री के अंदर तो फ्रंटियर टेक्नोलॉजी रहती है चाहे यू लो आप चाहे आप यूरोप के अंदर कंट्रीज लो तो वहाँ पे इतनी डिपेंडेंस नहीं है जो डेवलपिंग कंट्री हैं वो फ्रंटियर टेक्नोलॉजी के लिए डिवेल्प कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट रहती हैं क्योंकि उनके पास उतनी तो टेक्नोलॉजी नहीं है ना आप सपोज़ करो डेवलपिंग कंट्री के अंदर फ्रंटियर टेक्नोलॉजी बना ली है ना हमने ये रिसर्च के ऊपर इन्वेस्टमेंट करके तो डिपेंडेंस कम हो जाएगी तो ये इन्वेस्टमेंट और फ्रंटियर टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा लिंक है ठीक है जी ओके आगे चलते हैं जी हाँ आगे बात करते हैं कि ओवर परफॉर्मेंस की बात की गई इंडिया ने देखो जब इंडिया का एक्चुअल इंडेक्स निकालते हैं वो कम आ रहा है ठीक है जी जब पर कैपिटा के हिसाब से निकाल रहे हैं वो ज़्यादा आ रहा है इसी के डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं ओवर परफॉर्मेंस ठीक है जी देखो डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल इंडेक्स रैंकिंग एंड एस्टिमेट रैंकिंग पर कैपिटा इनकम जैसे इंडिया का फोर्टी थ्री है वैसे वन जीरो एट आ रहा है तो और सिक्सटी फाइव हमने ओवर परफॉर्म किया है इसका मतलब क्या है अगर हमारी जो पॉपुलेशन के हिसाब से चलें तो हम बहुत पीछे हैं तो अगर हम सीधा जो हमने तरक्की कितनी की हुई है उसके हिसाब से चले तो हम आगे हैं ठीक है जी जे इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि हम एक्सीडेड द एक्सपेक्टेशन हम हमसे मतलब पहली बार हुआ हमसे जितना वो परफॉर्मेंस का मतलब उनका अंदाज़ा नहीं था हमने उससे ज़्यादा किया समझ आई ना बात मतलब पहले जो पर कैपिटा के हिसाब से देखें तो हम पीछे हैं अगर हम टोटल ओवरऑल हमारी परफॉर्मेंस देखे आगे हैं इट मीन कि इंडिया और चाइना जो एक्सपेक्टेशन से आगे निकल चुके हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर किया है काफी काम अबंडेंट सप्लाई है हमारे अंदर ठीक है जी स्किल्ड लेबर की और ये सारा और कंपेरेटिवली ये वाली ठीक है जी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स की बात करते हैं किसने रिलीज किया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अफेयर अर्बन अफेयर ने किया ठीक है जी यहाँ पे क्वालिटी और लाइफ तेरह हैं तेरह इंडिकेटर हैं और सिटीजन परसेप्शन सर्वे ये सिर्फ आपने एक बार देखना है इसके अंदर और कुछ नहीं है हाँ यहाँ पे अगर स्टेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो बेंगलुरु है मोर देन वन मिलियन दूसरा है शिमला लेस देन वन मिलियन आगे चलते हैं म्यूनसिपल परफॉर्मेंस ये भी हमने मिनिस्ट्री याद करनी है किसने किया वन मिलियन कैटेगरी के अंदर इंदौर है लेस देन वन मिलियन के अंदर न्यू दे लिए बस ये याद रखना है एम के अंदर ये सिर्फ एक बार पढ़ने हैं कौन कौन से इंडिकेटर हैं सर्विस फाइनेंस पॉलिसी टेक्नोलॉजी गवर्नेंस ठीक है जी ठीक है फ्री पार्टी अब जल्दी जल्दी कर लेते हैं थोड़ा सा ठीक है जी फ्रीडम हाउस ने यूएन ने नहीं रिलीज़ किया ये याद रखना है उसके बाद इसके अंदर है क्या पोलिटिकल राइट इलेक्टोरल प्रोसेस पोलिटिकल प्लूरलिज्म ये इसके स्कोर पैरामीटर हैं सिविल लिबर्टी मतलब बेसिकली ये है कि आपने जितना भी आपने बहुत सारा जैसे अभी हमारे सडिशन के चार्जेस लग रहे हैं ना फ्रीडम नहीं है इतनी उसके बेस के ऊपर इंडिया का जो स्कोर है वो सिक्सटी सेवन हो गया है सेवनटी वन है ना तो कम हो गया फ्री टू पार्टली फ्री हो गया इंडिया ठीक है ओके okay, तो ये दो आर्टिकल हैं पर्सनल लिबर्टी है, के ऊपर है कोर्ट के ऊपर और ये बाइडन के ऊपर ये थोड़ी थोड़े इंपॉर्टेंट है बाकी हम डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर सो दिस इज़ ऑल अबाउट मैंने कोशिश किया कि जल्दी थोड़ा करवाऊँ ताकि जो मटीरियल लिखा है तो समझाऊँ ज़्यादा सो थैंक यू वेरी मच